हम शामिल करेंगे अपने महिला दर्शकों के सवालों को, लेकिन उससे पहले बात करेंगे तलवलकर्स के नतीजों पर। कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले 25% ज्यादा मुनाफा दर्ज किया है। नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं तलवलकर्स के CFO और डायरेक्टर अनंत गवांडे। गुड मॉर्निंग मिस्टर गवांडे, शानदार परफॉर्मेंस रहा इस क्वार्टर में, क्या किसे श्रेय देना चाहेंगे इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए? अच्छा, दो चीजें हुई है प्रियंका। टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो थोड़ा कम है, 13-14% है। कॉस्ट कंट्रोल, हमारे काफी जिम्स के रेंट, करीबन 35-38 जिम्स के रेंट हमने काफी कम कर लिया है, 20-25-30%। अमृतसर, काफी सारे ऑल ओवर इंडिया। दूसरी चीज जो हुई है वो ये है कि हमने काफी सारा इंटीग्रेशन किया है, तो हमारे न्यू फॉर्म के जो स्टूडियोज है वो हमने अभी हमारे जिम में इंक्लूड कर लिया है। तीसरा रीजन है कि हमारी ट्रेजरी का जो इनकम है वो काफी अच्छा है। और चौथा रीजन ये है कि हमारी मार्जिन थोड़ी सी 100-120 प्रति बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुए लास्ट क्वार्टर में सेम टाइम लास्ट ईयर से। सो ये सबका कॉम्बिनेशन की वजह से जो टॉप लाइन ग्रोथ 13-14% थी वो बॉटम लाइन में करीबन 24-25% बन गई है। बिल्कुल मिस्टर गवांडे, हम देख रहे हैं बॉटम लाइन में अच्छा सुधार दिख रहा है, साथ ही में आपने मार्जिन्स की बात की, बहुत इंप्रेसिव मार्जिन्स है। क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज बढ़ाने की वजह से ये मार्जिन में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, और इसे आगे सस्टेन करना कितना फीजिबल लग रहा है इस मार्जिन में जो ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं आप? अच्छा प्रियंका, जो मार्जिन ग्रोथ है उसमें से 110-120 बेसिस पॉइंट ग्रोथ ऑपरेटिंग बिजनेस में से है, और करीबन 200-225 पॉइंट ग्रोथ अदर इनकम यानी ट्रेजरी की वजह से है। तो ट्रेजरी इनकम का जो मार्जिन ग्रोथ है वो मैं पकड़ता नहीं हूँ, बिकॉज वो डिपेंडेंट ऑन क्या फिक्स डिपॉजिट का रेट है, क्या म्यूचुअल फंड में हमें रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर है। पर जो सस्टेनेबल मार्जिन ग्रोथ थी लास्ट ईयर करीबन 140 बेसिस पॉइंट थी, ये साल करीबन 110 बेसिस पॉइंट है। तो वो जो ग्रोथ रेट है 110-120 का वो होना चाहिए, ये मेरा हिसाब है। अदर इनकम जो है विल एंटायरली डिपेंड की ट्रेजरी कितनी बनती है हमारी। और साथ ही में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की भी अभी अगर बात करें तो उसमें भी हम अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं गवांडे जी, तो आप इसको आप लोगों ने किस तरह से प्लान आउट किया था कि इसका हमने एक पॉजिटिव असर देखा है नतीजों में? एक्चुअली जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है उसमें से काफी सारी ग्रोथ रेट इंक्रीज की वजह से हुई है। हमने लास्ट साल रेट इंक्रीज करीबन ली ही नहीं थी, बहुत कम जिम्स में ली थी, क्योंकि इकोनॉमी फिर भी बाहर निकल रही थी प्रॉब्लम में से। तो ये साल जो रेवेन्यू ग्रोथ है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसमें से वैल्यू ग्रोथ जो बोलते हैं वो करीबन 7-8% है, और वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2-2.5% है। साथ ही आप लोगों ने श्रीलंका के एक पूरे जिम चेन को पावर वर्ल्ड जिम को भी अक्वायर किया है, उसमें 49% हिस्सेदारी ली है, इसका आप क्या असर देखेंगे, कंपनी इसको किस तरह से यूटिलाइज करने वाली है? उनके करीबन 10 जिम है, ये श्रीलंका की सबसे बड़ी पावर वर्ल्ड जिम, श्रीलंका की सबसे बड़ी जिम चेन है। सो अभी तलवलकर जो है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों की नंबर वन जिम चेन बन गई। नंबर दो वो करीबन 30-35 जिम आते 24 महीने में नए चालू कर रही है। श्रीलंका में काफी सारा उद्योग आने लगा है, काफी सारे होटल्स, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने चालू हो गए। उनकी मार्जिन जो है वो करीबन 53% है, और उनके आरओई जो है करीबन 36% है। तो बहुत ही अट्रैक्टिवली पॉइस्ड कंपनी है, हमें लगता है कि ये कंपनी आगे जाके हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में 2-1 साल के अंदर 12-15% प्रॉफिट ऐड कर सकती है, अगर यही एक्सपेंशन प्लान रह गया तो। और आपके आगे की क्या एक्सपेंशन प्लान है, क्या कैपेक्स प्लान है, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे गवंडे जी? हमें लगता है कि आते दो क्वार्टर में आपको सब कोई थोड़ी बहुत एक्विजिशन दिखेगी हमारी तरफ से। हम लोग खुद के भी जिम चालू करेंगे तलवलकर और हाईफाई के करीबन 5 जिम हम चालू कर रहे हैं दिसंबर जनवरी तक, तलवलकर के भी चालू करेंगे। पर उसके अलावा हमारा आते 2-3 या 4 क्वार्टर फोकस यह है कि एक्विजिशन करके लोकल टाउन्स जो है टॉप 16 टाउन्स इंडिया के जो है बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, पुणे, ये जो टाउन्स है इसमें हमारा होल जो है वो कंसोलिडेट कर दिया जाए। वो कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग एक्विजिशंस ढूंढ रहे हैं, काफी सारे लोगों से बातचीत भी हो रही है। सो आते 2-3 क्वार्टर में आपको उसका इम्पैक्ट भी दिखने को मिलेगा।
यानी ढेर सारे जेवीज और एक्विजिशंस पर नजर है तलवलकर की। मिस्टर गवंडे, आखिरी सवाल और ये आपके रिजल्ट से हटकर है, क्या आप देख रहे हैं कि हम भारतीय फिटनेस को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं और यही नतीजा है कि तलवलकर जैसी कंपनी अच्छे अर्निंग्स पेश कर रही है? मुझे लगता है कि लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए, कभी कभी आ नहीं सकते। अभी जो आता सीजन है दिवाली का, अगले मंगलवार से मुझे नहीं लगता कि कोई जिम में जाने वाला है, सब लोग मिठाइयां खाएंगे, मजा करेंगे। बट उनका फोकस ये है कि दिवाली हो जाएगी तो इमीडिएटली जिम हिट करते हैं। संडे को हम लोग आजकल जिम चालू रखते हैं और संडे को हमें पहले कोई नहीं आता था जिम में। अभी अगर आप देखने को जाओगे तो सुबह 9 से दोपहर को 1 बजे तक हर एक जिम में 50-70-80 लोग आते रहते हैं, विच इज अ वेरी गुड ट्रेंड। ये बहुत अच्छी ट्रेंड है क्योंकि लोगों को इतवार को संडे को भी जिम याद आ रहा है, वो जिम में खुद ट्रेनिंग को आ रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर को बुला रहे हैं, ओनली शोज कि उनका फोकस, उनकी एनर्जी जिम की तरफ जा रही है। थैंक यू सो मच मिस्टर गवंडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिवाली की शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं लोग मिठाई खाएं और वजन कम करने तलवलकर जरूर जाएं। थैंक यू प्रियंका। अनंत गवंडे हमारे साथ थे, तलवलकर्स के सीएफओ और डायरेक्टर। अच्छे नंबर्स पेश कर रही है कंपनी और बता रही थी आगे जेवीज और एक्विजिशंस पर भी रहने वाला है ध्यान। ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आज दबाव में नजर आ रहा है। शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट्स